आबकारी विभाग की टीम ने बरोठा थाने के डबल चौकी इलाके में एक रिहायशी मकान में दबिश देकर अवैध शराब बनाने की मिनी फैक्ट्री का खुलासा किया है। मौके से बड़ी मात्रा में शराब बनाने की सामग्री जब्त की है। दरअसल आबकारी टीम को सूचना मिल रही थी कि डबल चौकी से बड़े पैमाने पर शराब बनाकर अन्य क्षेत्रों में सप्लाई की जा रही है। सहायक जिला आबकारी अधिकारी नागेंद्र सिंह जादौन और आबकारी उप निरीक्षक डीपी सिंह को मुखबिर ने रिहायशी मकान में मिनी शराब फैक्ट्री संचालित होने की जानकारी दी थी। इस सूचना के बाद दोनों अधिकारी मौके पर पहुंचे तो नितिन पिता रमेश चंद पथरोड़े को शराब बनाते हुए गिरफ्तार किया। उसके घर के अंदर शराब बनाने की सामग्री देखकर अधिकारी भी दंग रह गए। मकान के अंदर 35 लीटर स्प्रिट, 325 क्वार्टर देसी शराब के बिना लेबल के ढक्कन, कार्टून, लेबल, खाली क्वार्टर भी बड़ी मात्रा में मिले। आरोपी तैयार शराब को पैकिंग और लेबलिंग कर आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई करता था। जब शराब और सामग्री की कीमत 1,25,000 रुपए बताई गई है। आरोपी स्प्रिट से ही शराब बनाकर उसकी बॉटलिंग करता था। उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम की अलग अलग धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। कार्यवाही में आबकारी उप निरीक्षक डीपी सिंह, आरक्षक नितिन सोनी एवं सैनिक केदार चौधरी का योगदान सराहनीय रहा। नितिन पथरोड़ के घर से रिहायशी मकान से लगभग 65 लीटर भरी हुई मात्रा 325 नग पाव बरामद किए गए हैं। स्प्रिट 35 लीटर बरामद की गई है और ढक्कन है, कार्टून है और लेबल वगैरह सब बरामद किए गए हैं। जो घर पर ही अपना अवैध रूप से बनाता था और क्षेत्र में सप्लाई करता था। इसमें अभी फिलहाल एक आरोपी है, बाकी प्रकरण विवेचना में लिया है और जब